हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज मैं आपके लिए डेमोस्ट्रेशन लेके आया हूं ओ जनरल के सबसे फेमस डेट टन के 3-स्टार नॉन इन्वर्टर एसी की, जो कि लुक आपके सामने दी हुई है। ये है 2023 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल और इसका जो इनडोर का साइज है वो सबसे बड़ा है एसी की इंडस्ट्री के अंदर। इसका जो साइज है वो है 46 इंच का। इतना बड़ा इंडोर आपको ओ जर्नल दे रही है, जिसकी वजह से आपको एयर थ्रो जो है वो भी 25 मीटर का मिलता है और जो कूलिंग कैपेसिटी है वो भी सबसे हैवी मिलती है। तो ओ जर्नल ने इस साल इसके अंदर आपको क्या क्या फीचर्स दिए हैं, कैसी इसकी कूलिंग कैपेसिटी है और क्या क्या इसके अंदर आपको स्पेसिफिकेशन मिलने वाली है, एक एक करके हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोज कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। तो जैसा कि अभी आपने इसकी फर्स्ट लुक देखी सामने की तरफ से, जैसा कि आप यहां पे एलईडी में, मैं इसके पूरी कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे बताऊंगा। लुक आपने देख ली है इसकी, सबसे बड़ा इंडोर मिलने वाला है इसका, 46 इंच का इंडोर मिलने वाला है। अगर इसकी हम सबसे पहले बात करते हैं स्पेसिफिकेशंस की, तो स्पेसिफिकेशंस के अंदर आपको ये देखिए यहाँ पे 4 साइज आपको इसके अंदर मिलेंगे। थोड़ा पास करियो, 4 साइज आपको इसके अंदर मिलेंगे, 1.5 टन, 2 टन का, 2.5 ढाई टन का और 3 टन का। ये 4 मॉडल आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं, जिसके अंदर आपको जो फिलहाल मैंने आपको लुक दिखाई थी वो 1.5 टन के एसी की है, जिसके अंदर आपको 5470 की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है और इसके अंदर जो आपकी पावर कंजप्शन आएगी वो आएगी 1560 की, 1560। और इसी के साथ इसकी जो ISEER रेटिंग है, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग, वो 3.51 है, जो कि काफी अच्छी है। नॉर्मली इस कंपनीज के इन्वर्टर एसीओ की इतनी एनर्जी एफिशिएंसी रेटिंग होती है, जो जनरल आपको फिक्स स्पीड एसी में दे रहा है। इलेक्ट्रिसिटी जो कंजप्शन यूनिट्स के अंदर है, ये एक सीजन के अंदर यानी कि लगभग 1600 इतने घंटे चलने के अंदर 1208 यूनिट सिर्फ कंज्यूम करता है, यानी कि लगभग 1 घंटे के अंदर 1 यूनिट भी ये कंज्यूम नहीं करता है। इंडोर यूनिट का साइज मैंने अभी आपको बता दिया, इसका 46 इसका इंडोर आएगा और इसके अंदर जो गैस मिलने वाली है आपको R410 गैस मिलने वाली है इसके अंदर आपको, जिसकी कूलिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होती है। 100% कॉपर कंडेंसर के साथ आता है। कॉपर कंडेंसर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वो एंटी रस्ट होता है और वो लीकेज वगैरह भी इसमें काफ़ी कम आती है, लाइफ एसी की काफ़ी ज़्यादा बनी रहती है। तो ये सब आएगा और इसके जो इंडोर का एयर फ्लो है वो भी आपको 25 मीटर तक का एयर फ्लो इसके अंदर मिलेगा। 4 कैपेसिटी आपको इसके अंदर मिल जाएगी, जो आप चाहते हो वो आप यहाँ से परचेज कर सकते हो। एक और खास बात, इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके भी इसको चेकआउट कर सकते हो और परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मिलने अंदर इसके मिलने वाले सारे फीचर्स की। फीचर्स की बात करें तो ये सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे। सबसे पहले देखिए, मैक्सिमम 52 डिग्री के ऊपर भी ये अपनी कूलिंग कैपेसिटी बिल्कुल भी लूज नहीं करता। 52 डिग्री के ऊपर भी आपको ये पूरी अपनी प्रॉपर एयर फ्लो और पूरी प्रॉपर कूलिंग कैपेसिटी आपको देगा। 25 मीटर का एयर फ्लो मिलेगा इसके अंदर, साथ ही इसके अंदर आपको मिलने वाली है 6 स्पीड फैन कंट्रोल। नॉर्मली आपने देखा होगा कि नॉर्मली एसी के अंदर आपको सिर्फ 3 या 4 स्पीड का फैन कंट्रोल मिलता है, बट इस एसी के अंदर आपको 6 स्पीड का फैन कंट्रोल मिलेगा। साथ ही इसके अंदर आपको मिलता है डबल स्विंग, जिसकी वजह से आपको 3D एयर फ्लो मिलता है। जैसे कि आपके कमरे के अंदर नॉर्मली आपने देखा होगा एसी की स्विंग जो है अप एंड डाउन काम करती है, बट इस एसी की जो स्विंग है वो राइट और लेफ्ट भी काम करेगी, यानी कि आपको पूरे कमरे के अंदर एकदम इवन बराबर कूलिंग मिलेगी। ब्लू फिन्स का कंडेंसर मिलने वाला है इसके अंदर आपको। ब्लू फिन्स कंडेंसर का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि उसके अंदर रस्ट वगैरह नहीं लगता। एक बार मैं थोड़ा डिटेल में दिखाता हूँ आपको ब्लू फिन्स, ये है देखिए ब्लू फिन्स का कंडेंसर है ये, जिसके अंदर बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगता। जैसे आपने देखा होगा कि जो मेटल होते हैं उनको रस्ट लग जाता है, कॉपर को ग्रीन कलर का रस्ट लग जाता है,
तो कुछ इस तरह की इसके ऊपर कोटिंग करी गई है इसके पाइपों पे, जिसकी वजह से बिल्कुल भी रस्ट नहीं लगता। और इसके अंदर जो मेटल यूज़ किया गया है वो भी चार टाइप का मेटल यूज़ किया गया है, कोबाल्ट ब्लू प्रोटेक्शन, और उसके साथ ही एल्यूमिनियम बेस मटेरियल यूज़ किया गया, स्टैंडर्ड क्रोमेट प्रोटेक्शन यूज़ की गई है, और हाइड्रोफिलिक कोटिंग भी साथ में यूज़ की गई है, जिसकी वजह से इसको कभी रस्ट नहीं लगता। नेक्स्ट इसके अंदर जो आपको फीचर मिलने वाला है वो है, देखिए यहाँ पे पावरफुल मोड मिल जाता है। जैसे कई बार आप घर से बाहर हो और अंदर आते हो, गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, तब इसके रिमोट पे भी आपको पावरफुल मोड मिल जाता है, जिसको प्रेस करने के बाद आप एकदम से एक्स्ट्रा कूलिंग अपने कमरे के अंदर कर सकते हो। उसके बाद टाइमर इसके अंदर मिल जाएगा आपको, ऑन ऑफ टाइमर, क्वाइट ऑपरेशन है, आवाज़ काफ़ी कम करता है, सेल्फ डायग्नोसिस का ऑप्शन मिल जाता है। इस एसी के अंदर बाई चांस कोई प्रॉब्लम आती है तो एक एरर कोड दिखा देता है, आप उसको स्कैन करके उसके अंदर कोई प्रॉब्लम जो भी है वो आप चेक कर सकते हो। और इसकी जो पाइपिंग किट है वो 3 मीटर की साथ ही मिलने वाली है, यानी कि लगभग 10 फीट की कॉपर पाइप आपको इसी के जो बॉक्स आएगा उसके अंदर ही मिलने वाली है। नॉर्मली ये पहले ओरिजिनल नहीं देता था, बट अब इसके अंदर ही आने वाली है। अब बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाले जो आपका रिमोट है उसकी हम डिटेल में बात करते हैं कि रिमोट के अंदर आपको क्या क्या कंट्रोल मिलने वाले हैं। यहाँ पे देखिए पूरा डिटेल के अंदर है, एक बार आप इसको ध्यान से देख लीजिए। इसके अंदर आपको स्टार्ट स्टॉप का बटन भी मिलेगा, टेम्परेचर कंट्रोल का बटन भी मिलेगा, जो कि ये देख रहे होंगे आप, ये जो अप एंड डाउन वाला बटन है इसके अंदर आप टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो। पावरफुल कूलिंग ऑपरेशन के लिए आपको ये वाला जो बीच में सेंटर वाला बटन है, ये वाला पावरफुल कूलिंग के लिए बटन दिया हुआ है। 4 नंबर जो ये प्लस और माइनस वाले बटन है, ये फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए। 5वें नंबर पे जो है ये देखिए यहाँ पे ये वाला बटन, ये स्विंग बटन है, और स्विंग बटन जैसे अप एंड डाउन करनी होती है, इसको ऑन ऑफ करना होता है, सेटिंग करनी होती है, उसके लिए है। और 6 नंबर पे जो है ये भी स्विंग के लिए है, बट ये वर्टिकल के लिए है, जैसे अप एंड डाउन करनी होती है ना उसके लिए। और जो 7 नंबर पे है ये भी स्विंग का है, बट ये अप एंड डाउन के लिए, सॉरी लेफ्ट और राइट स्विंग को करने सेट करने के लिए। 8 नंबर पे जो है ये रीसेट का बटन है, अगर रिमोट रीसेट करना चाहते हो, एसी को रीसेट करने के लिए, उसके लिए है। उसके बाद क्लॉक एडजस्ट का बटन दिया हुआ है यहाँ पे, बीच वाला सेंटर वाला। उसके बाद टेस्ट रन का बटन है ये साइड में, इस साइड लेफ्ट की तरफ में, और इसके ऊपर आपको मिलता है स्लीप वाला बटन, अगर आप टाइमर वगैरह सेट करना चाहते हो। या फिर स्लीप बटन का दूसरा फायदा ये होता है कि जैसे रात को आपको ठंड लगनी स्टार्ट हो जाती है तो ऑटोमेटिकली एसी जो है +2 टेम्परेचर हर घंटे बाद ऑटोमेटिकली बढ़ाता रहता है, जिसकी वजह से आपको ठंड नहीं लगी और आपको एसी बंद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइमर का बटन आपको मिल जाएगा यहाँ पे, प्लस माइनस करना होता है जैसे, उसके लिए यहाँ पे ये दिया हुआ है टाइमर को प्लस एंड माइनस करना है। उसके बाद मोड को अगर आप चेंज करना है तो यहाँ पे मोड लिखा हुआ मिलेगा आपको 14 नंबर रिमोट के अंदर, जिसके अंदर आप फैन मोड कर सकते हो, ड्राई मोड कर सकते हो, और कूलिंग मोड कर सकते हो, या फिर ऑटोमेटिक मोड भी कर सकते हो। तो ये सारे जो फीचर्स हैं आपको इस साल ओ जनरल ने अपने, जिसको हम नॉर्मली लैंग्वेज में फूटा मॉडल बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा इनका हैवी मॉडल आता है, उसके अंदर आपको ये सारे फीचर्स मिल रहे हैं। मॉडल नंबर की बात करें तो इसका जो मॉडल नंबर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका जो मॉडल नंबर है ASGA18FUTD, जिसको हम फूटा मॉडल बोलते हैं, ये इसका कंप्लीट मॉडल नंबर है, जो कि सबसे हैवी वाले एसी का मॉडल नंबर है। इसके अंदर अगर आप कैपेसिटी को चेंज करते हैं, जैसे 1.5 टन के बजाय आप 2 टन, 2.5 टन या 3 टन लेते हो, तब इसके मॉडल में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं। 18 की बजाय 1.8 की बजाय आपको मॉडल मिलेगा 24 2 टन के लिए, 30 2.5 टन के लिए, और 36 मॉडल के अंदर आपको मिलेगा 3 टन के लिए। तो ये थी इसकी कंप्लीट सारी स्पेसिफिकेशंस। तो कैसा लगा आपको ये ओ जनरल का फूटा मॉडल, यानी कि FUTD 2023 का फिक्स स्पीड में ओ जनरल का सबसे बड़े इंडोर वाला एसी, कमेंट्स में जरूर बताएं। दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसका जो परचेज लिंक है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाके इसको चेकआउट करें और परचेज करें। इसी के साथ वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं आपसे किसी और नए प्रोडक्ट के नए डेमोंस्ट्रेशन के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा बाय।